इनकी मीटिंग हुई है और इसमें इन्होंने डिक्लेयर किया है कि आज रात से 8 बजे से लॉकडाउन रहेगा और बैंकों के लिए जो आपके काम रहते हैं अब वो काम ग्राहकों के लिए बंद कर दिए गए हैं, कर्मचारी काम कर सकते हैं बैंक जी। आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना ने जो है तो बड़े साहब लोगों के कानून में आकर कहा है कि जो है तो आप बैंक के अंदर कर्मचारियों को भेजिएगा, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा, मगर जब जो है तो बैंक के अंदर ग्राहक आएगा तो मैं आ जाऊँगा। ये बड़ा अजीब सी बात है। कैसे है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा 1 साल मिला है कोरोना से फाइट करने के लिए, कोरोना के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, मगर फिर भी आज भी जो है तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन इतना सक्षम नहीं है कि वो जो है तो कोरोना से कोई फाइट कर सके। लॉकडाउन कोई पर्याय नहीं है, लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है। कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना के साथ हमको जो है तो एडजस्ट करते हुए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए जो तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हो ये रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन पार्शल हो जा रहा है, कोरोना पार्शल नहीं हो रहा। ये क्या मजाक की बात है कि आज 1 साल के बाद भी कोरोना से किस तरीके से फाइट किया जाए या किस तरीके से कोरोना का मुकाबला किया जाए, इसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम नहीं है। आप वैक्सीन के तालुक से अगर बात करेंगे तो वैक्सीन के तालुक से हाईकोर्ट के अंदर एक ऑलरेडी पेटिशन जो है तो पेंडिंग है कि जो है तो ये जो कोरोना की जो वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च की गई है, इसके पूरे ट्रायल कंप्लीट नहीं किए गए, उसके ट्रायल कंप्लीट किए बिना ही जो है तो वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया, इसका एक पेटिशन हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है। प्लस जो है तो आज भी हम लोग जो है तो इस बात के लिए मतलब हम लोग सक्षम नहीं है कि कोरोना का हमारे पास कोई सक्षम पक्का इलाज नहीं है। ना हम वैक्सीन को जो है तो पक्का इलाज बोल सकते हैं, ना हम जो है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को जो है तो कोई पक्का इलाज बोल सकते हैं। जैसे पोलियो के एक परफेक्ट डोज है कि पोलियो का डोज लेने के बाद आपको पोलियो नहीं होगा, ये जो है तो बात आपको जो है तो बॉन्ड पेपर के ऊपर जो है तो एक मेडिकोज लिख कर दे सकते हैं। क्या यही मेडिकोज, यही एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड पेपर के ऊपर लिख कर दे सकते हैं क्या कि वैक्सीन लेने के बाद जो है तो आपको कोरोना नहीं होगा? जबकि औरंगाबाद मलाड वाले के सबसे बड़े हॉस्पिटल जो घाटी हॉस्पिटल है उसकी डीन ने 2 बार जो है तो कोरोना वैक्सीन लिए, उसके बावजूद वो पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या मजाक चल रहा है? आप जो है तो वीकेंड में 2 दिन लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है साहब। लॉकडाउन किस लिए ज़रूरी था? जब जो है तो 2020 में मार्च 21 को जब नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन घोषित किया, तब हम ये समझ के चले थे कि भाई हमारे पास कोरोना का इलाज नहीं है, किस तरीके से इस महामारी को फेस किया जाए इसका हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। इसलिए लॉकडाउन तब सक्षम था, इसलिए सक्षम था क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक वक्त चाहिए था इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए। आज 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी क्या हमारे पास उसका कोई लायमल तैयार नहीं है? 4 जो है तो बड़े अधिकारी साहब एक बंद एसी के कमरे में बैठते हैं और बैठकर कुछ फैसला कर लेते हैं। आप फैसला करिएगा जनाब, ताकत आपके हाथ में है, मगर वो आपके फैसले से पहले आप जो है तो गरीब लोगों के बारे में सोचिएगा। 75% से ज़्यादा जो है तो एवरेज के लोग जो है तो बिलो पावर्टी लाइन के हिंदुस्तान के अंदर है, औरंगाबाद शहर के अंदर है, उनके जो है तो आप खाने पीने का इंतज़ाम पहले कुछ करिएगा। सोचिएगा कि एक गरीब रिक्शे वाला, एक गरीब हाथ गाड़ी वाला शाम में दिन भर जो कमाता है वही पैसा ले जाकर वो शाम में रात में अपने बच्चों को अनाज खिलाता है। अगर आप लॉकडाउन लगा देंगे, आप सख्तियाँ जाहिर कर देंगे तो ये गरीब लोगों का क्या होगा? इसके लिए पहले आपको कुछ बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा। हर बार आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि राजकीय नेता और राजकीय लोग और एनजीओ आगे आकर जो तो आवाम की खिदमत करेंगे और आवाम के लिए जुस्तजू करेंगे। थोड़ी जुस्तजू आप भी कर लीजिएगा, थोड़े जो तो आप भी ये फैसले कर लीजिएगा कि अगर हम लॉकडाउन औरंगाबाद शहर में लगा रहे हैं तो जो बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं उनको हम किस तरीके से अनाज मुहैया कराए, उनको हम किस तरीके से खाना मुहैया कराए। ये जिम्मेदारी अकेली हमारी तो नहीं है साहब, आप भी थोड़ा इसके अंदर हिस्सा ले लीजिएगा। अमरावती के अंदर, अमरावती म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 50 से ज़्यादा कर्मचारियों को अमरावती के एडमिनिस्ट्रेशन ने टर्मिनेट किया है। ये टर्मिनेट करने की वजह यह है कि एक स्कैम पकड़ा गया, एक स्कैम ऐसा पकड़ा गया कि जो है तो ये अधिकारियों ने अपने पॉजिटिव रिपोर्ट्स मैनिपुलेट करके बनवाए और इन्होंने उसका जो है तो एक इन्होंने पॉलिसी ले रखी थी कोरोना की, वो पॉलिसी का पैसा ये लोग खा रहे हैं। क्या हम ये नहीं समझे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कैम चल रहा है? क्यों जो है तो कोरोना के इतने पॉलिसीज महाराष्ट्र के अंदर बन रहे हैं और क्यों इन पॉलिसीज का ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं? और ये क्लेम लेने वाले कोई बाहर के लोग नहीं है, ये जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग हैं। ये स्कैम भी जो है तो अमरावती में पकड़ा गया है। ये स्कैम की जो है तो कुछ जड़ें औरंगाबाद शहर के अंदर भी है जिसके हम जो है तो तलाश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में उसका भी हम खुलासा इंशाल्लाह करेंगे। आपको एक बात समझनी होगी, मैं तमाम जो है तो आदि आराम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लाइफ को नहीं रोक सकेंगे साहब,
आप लाइफ को नहीं रोक सकेंगे, और जब तक आप लाइफ को रोकने की कोशिश करेंगे आप इन शॉर्ट जो है तो औरंगाबाद की आवाम को पीछे ढकेल रहे हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या पीछे हटने की कोशिश करेंगे? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि लाइफ को मत रोकिएगा, कोरोना के साथ जो है तो हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सच है कि हमको जो है तो कोरोना के सारे जो है तो जो उसके गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। मास्क आपके लिए कंपलसरी है, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो सरकार और प्रशासन के साथ साथ हम भी आपकी मुखालिफत करते रहेंगे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, आपको जो है तो सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए और जो और उसके गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा एक सवाल ऐसा था कि अभी लोक प्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनके साथ इतनी मीटिंग नहीं हुई और लॉकडाउन जो है तो ये डिक्लेयर कर देते हैं, इसके ऊपर आप क्या? ये बड़े अफसोस की बात है साहब, ये बड़े अफसोस की बात है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे हमारे आमदार हो, चाहे हमारे खासदार हो या हमारे और कोई जो है तो नेता हो, ये सारे पब्लिक के चुने हुए लोग हैं। चाहे हमारे जायसवाल साहब हो, वो शिवसेना की क्यों ना हो, मगर मेरा आज वो आमदार है, मैं उनको एज अ मेरा MLA ट्रीट करता हूँ। तो ऐसे लोगों को जो है तो आपने साथ में लेना चाहिए, आपने पूरे आमदारों को साथ में लेना चाहिए, खासदार को साथ में लेना चाहिए और इनके साथ बैठ कर जो है तो आपने रोड मैप जो है तो कोरोना से फाइट करने के लिए बनाना चाहिए। आप चार लोग मिलकर अगर फैसला कर लेंगे तो आप आवाम के हित की बात नहीं कर पाएंगे। आप आवाम के बीच में क्या मसाइल है ये लोक प्रतिनिधि को पता होता है। आपसे गुजारिश है कि आप लोक प्रतिनिधियों को साथ में लेकर इसके अंदर जो भी फैसले करना है वो करिएगा।